दोस्तों, यदि आप भी श्रेयस अय्यर को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता के नए किंग बन चुके श्रेयस अय्यर के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अय्यर बन सकते हैं शाहरुख खान के दामाद। यदि आपको भी जानना है कि क्या है सुहाना खान से लेकर अय्यर के शादी का मामला, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक नया अध्याय लिख रही है। जी हाँ, जब से अय्यर कोलकाता के नए किंग बने हैं, तब से ही नाइट राइडर्स ने जीत के झंडे गाड़े हैं। आप भले ही एक दो मुकाबले में इस टीम को हार ना मिली हो, लेकिन इन सब के बावजूद कोलकाता की टीम ने अब तक टाटा आईपीएल 2022 में काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से कोलकाता जीत हासिल कर रही है, उसमें श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी और बेहतरीन बल्लेबाजी भी रही है। वहीं पिछले मुकाबले में भले ही उनकी टीम को हार मिली हो, लेकिन श्रेयस अय्यर ने गजब की बल्लेबाजी की थी। अगर वो कुछ देर और रुक जाते क्रीज पर, तो शायद उनकी टीम जीत भी सकती थी। लेकिन इन सबके बावजूद अब कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त श्रेयस अय्यर और सुहाना खान के रिश्ते की खूब चर्चा चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब सुहाना खान श्रेयस अय्यर पर ताव लगा रही थी, उसी वक्त से उनको श्रेयस अय्यर पसंद आ गए थे। हम आपको बता दें कि सुहाना खान किसी भी हद तक श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में चाहती थी। ये उनकी टीम के लिए तो अच्छा फैसला था, बल्कि ये सुहाना खान का निजी फैसला भी था कि अगर श्रेयस अय्यर उनकी टीम में शामिल हो। लेकिन अगर दोस्तों, इस पर अब तक कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, इन सारी खबरों के अनुसार ये तो जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये दोनों अपने रिश्ते को लेकर कब बड़ा खुलासा करते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का साल 2022 का आईपीएल बेहतरीन रहा है। उनके बल्ले से भले ही कुछ ही रन निकले हैं, लेकिन जो रन निकले हैं वो बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट के साथ निकले हैं। और उनकी फॉर्म को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि वो आगे के टूर्नामेंट में भी अपने बल्ले से और साथ ही साथ कप्तानी से भी धमाल मचाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और सुहाना खान की शादी होगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।